हिंदू जन आक्रोश जो पुणे में आज दगड़ू से गणेश मंदिर से यहां आक्रोश भव्य रैली प्रारंभ हो रही है। आज महाराष्ट्र का नहीं भारत का हिंदू चाहता है कि लव जिहाद पर प्रतिबंध लगे। आज भारत का हिंदू चाहता है कि कन्वर्शन पर प्रतिबंध लगे। आज भारत का हिंदू चाहता है कि लव जिहाद पर कोई कानून बने, क्योंकि लव जिहाद के माध्यम से कई हमारी हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला कर प्यार के जाल में फंसा कर शादी की जा रही है और 35 टुकड़ों में उसको काट को फेंक दिया जा रहा है। तो सिर्फ ये एक इशू नहीं, भारत के हर कोने में लव जिहाद के नाम पर बहन बेटियों का बलात्कार और उनका कत्ल हो रहा है। साथ ही साथ जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे संभाजी महाराज जी, उनका जो बलिदान हुआ पूरे भारत में ऑफिशियली उनका बलिदान दिवस डिक्लेयर करे। आज महाराष्ट्र का हिंदू नहीं पूरे भारत का हिंदू चाहता है। आज यही डिमांड लेकर ये शोभा यात्रा का, ये आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं बाहर कैमरा कम पड़ जाएगा उतना हिंदू आज बाहर खड़ा हुआ है। आज ये चिंगारी सिर्फ महाराष्ट्र में जल रही है, आने वाले समय में लव जिहाद के ऊपर, कन्वर्शन के ऊपर अगर कानून नहीं बनता है, गौ हत्या के ऊपर अगर कानून नहीं बनता है, तो पूरे भारत के हर जिला में, हर कोने में, हर शहर में इस प्रकार की रैलियों का आयोजन किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा एवं महाराष्ट्र की राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, इस पर गंभीरता से विचार करें, इस पर गंभीरता से विचार करें और तुरंत लव जिहाद के ऊपर, कन्वर्शन के ऊपर कानून पारित करें और संभाजी महाराज जी का जो बलिदान है वो ऑफिशियली डिक्लेयर करें। ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। सिर्फ आलंदी नहीं, महाराष्ट्र के, जैसे मैं कल से महाराष्ट्र के प्रवास में हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर सिर्फ दो ही के दो कंप्लेंट है, एक तो है कन्वर्शन, दूसरा है लव जिहाद। इसलिए मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि आज बांग्लादेशी महाराष्ट्र में घुस रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, कन्वर्शन हो रहा है, इसके ऊपर गंभीरता से अगर महाराष्ट्र की सरकार विचार नहीं करेगी तो आने वाले समय में इसका परिणाम गंभीर होगा। इसके ऊपर राजनीति चालू है महाराष्ट्र में, धर्म। देखिए जो लोग राजनीति कर रहे हैं मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि राजनीति करना है तो दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन धर्मवीर संभाजी महाराज के ऊपर आप लोग राजनीति करते हो, मैं धिक्कार करता हूँ और जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें जो संभाजी महाराज का इतिहास नहीं पढ़ते। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज वो समय पर हिंदुत्व के लिए अगर कार्य नहीं करते, हिंदुत्व के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ते, तो आज भारत में हिंदू ना होता। छत्रपति संभाजी महाराज अगर झुक जाते औरंगजेब के सामने तो क्या होता, क्या हिंदू सुरक्षित रहता? लेकिन संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके, मैं शिवा का बेटा हूं और एक कट्टर हिंदू हूं, उनके ये शब्द थे। इसलिए जो नेता है संभाजी महाराज के ऊपर राजनीति करते हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से घटिया राजनीति ना करें। आप क्या कहेंगे, धर्मवीर या स्वराज्य रक्षक? धर्मवीर संभाजी महाराज का मैं भक्त हूं और उन्होंने हिंदुत्व के लिए, स्वराज के लिए प्राणों का बलिदान दिया। नेताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार विचार करें।